अब मैं दिखाऊंगा ननस्पो की गेंदबाजी और चौरा की बैटिंग, चौरा ए की बैटिंग। अभी तो पहले ही ओवर में 26 रन लग चुके हैं, जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी ही होगी। तो सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुका है और सेमीफाइनल मैच की पहली गेंद देखते रहना दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह। बेहतरीन बॉल और 4 रन की ओर। और 6 रन। खचाखच भरा हुआ मिनी स्टेडियम नगुलसरी का। बहुत अच्छी बात। दर्शकों की यहाँ पे डिमांड है कि 6 पे 6 लगा जाए। दो छक्के कंटिन्यू, 6 पे 6 दर्शकों की डिमांड, 6 पे 6 तीसरी गेंद, 2 छक्के कंटिन्यू लग चुके हैं। वाइड, बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे चौरा के बॉलर को, जो कि मतलब बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं तो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बट 2 छक्के कंटिन्यू लग चुके हैं तो प्रेशर पड़ चुका तीसरी गेंद में, तो वाइड चली गई। अगली गेंद, फिर से तीसरी गेंद, दो रन। लंच शुरू होने वाला है, आप सभी से निवेदन है जो कोई भूखा हो वो भी चले जाए। भाग भाई, और अभिषेक अभी भी डटे हुए मैदान में पिच पे, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बेहतरीन शॉट, गेंद एंड गेंद, शॉट पे शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट, क्लास दिखती है इनके बल्लेबाजी में, बहुत ही बेहतरीन क्लास। 6 रन। प्रतियोगिता में इस मैच में कश्मकश ज्यादा, 5-5 ओवर में ये मैच, बॉलिंग स्पेल 5 गेंदबाजी यूज होंगे, 5 ओवर 5 गेंदबाज। एक बार फिर अगर चौरा को जीतना है तो ऐसे ऐसे रन नहीं देने पड़ेंगे, 6 पे 6 4 पे 4 नहीं देने पड़ेंगे, अच्छी गेंदबाजी करानी पड़ेगी। अभिषेक
Why? तो गाइस ये है तीसरा ओवर रनिंग पे, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे अभिषेक मिस टू। ऐसे दौड़ने की जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया खोग में इसी के साथ तो गाइस यहाँ पे ननस्को ने 7 रन का लक्ष्य रखा है, 68 रन चाहिए जीतने के लिए, 30 गेंदे 68 रन। तो अब मैं दिखाऊंगा ननस्को की गेंदबाजी और चौरा की बैटिंग, चौरा ए की बैटिंग। चौरा के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है बुद्धरतन, बॉल को चेक कर रहे हैं तन, जो कि काफ़ी लंबे लंबे छक्के दिखाने में माहिर है। पहले ही बॉल में छक्का खा चुके हैं ननस्को के गेंदबाज। डॉट बॉल काफी अच्छी वापसी, छक्का खाने के बाद काफी अच्छी वापसी कर चुके हैं। इसी बीच काफी अच्छा छक्का मारा था, काफी अच्छी गेंद थी पिछली के अगली के रिकी स्टार को और उठा दिया होगा। अच्छी गेंद करनी होगी रिकी स्टार को।
दोस्तों देखा ना आपने यहाँ पे छक्कों की बरसात, तो चौरा का एक स्कोर 26 रन जा पहुंचा है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है इन्होंने आज, तो अभी तो पहले ही ओवर में 26 रन लग चुके हैं। सोचना पड़ेगा, अगर रन को रोकना पड़ेगा तो अच्छी गेंदबाजी करनी है, जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी ही होगी। लगता है मैच जल्दी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर माना जाते थे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। पहली गेंद में ज्ञान सागर काफी जवाब है दोनों ही टीमें जाना होगा, या तो स्ट्राइक दे दे या टुक्का या चौका ही लगा दे। और फुल टॉस के बाद स्ट्राइक दे दिया है, फिर से आ चुके हैं बहुत ही छक्कों की बरसात करने वाले प्लेयर चौरा के। चौरा की टीम ऊंचाइयों पे पहुंचने लगे हैं और एक छक्का। छे पे छे और अभी गेंद लेकर आए हैं ज्ञान सागर, काफी एक तरफा कर दिया मुकाबले को। ऐसा मैच आपने कभी लाइफ में अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं हुआ, क्योंकि तीसरा ही ओवर चला हुआ है और उन्होंने रन मतलब इन्होंने मैच लगभग जीत ही लिया है। तीसरे ओवर में मैच जीत रहे हैं। बारह बॉले चार रन। और अच्छी गेंद।